नमस्कार लियो, लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस एन डी टैरो पर। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की हेल्थ वेल्थ करियर जो पैसा मनी इन सब चीज़ों के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर हेल्थ वेल्थ करियर जो पैसे के लिए देखेंगे, और लास्ट में गाइडेंस का कार्ड होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है। किंग ऑफ वांड्स, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। आप दूसरे की परवाह नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। आपको लग सकता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो सब गलत है। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपनी बातों को ऊपर रखने वाले हैं। आपको लग सकता है कि जो आप करेंगे वही सही है, बाकी सब जो कर रहे हैं वो सब गलत है। तो फटाफट से कार्ड निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब पैसा जॉब बिजनेस और सिंगल्स रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो 9 ऑफ वांड्स, तो हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी दुखों से आप गुजरे हैं। आपको लगता है, हो सकता है कि प्यार में किसी ने या किसी चीज़ से आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं आपको। लेकिन हकीकत ये है कि आपने और दूसरे ने दोनों ने ही एक दूसरों के साथ भावना कुछ लड़ाइयाँ की हैं, झगड़े की हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही चोट पहुँची है। दोनों का दिल दुख रहा है, दोनों का मन दुख रहा है। तो हेल्थ वाइज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, चोट खाए हुए हैं, और आपको आगे भी लड़ाई झगड़े से इन चीज़ों से बच कर रहना है। अगर आप लड़ाई करेंगे झगड़ा करेंगे तो आप चोट खा सकते हैं, दिल से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में नुकसान उठा सकते हैं। तो आपको हेल्थ वाइज अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। और अगर जो चोट आपने अब तक खाई है, जिस बीमारी से आप लंबे समय से जूझते आ रहे थे, अगर उस बीमारी में आप गिव अप नहीं करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, और जो डॉक्टर के चक्कर काट काट कर आप थक चुके थे, जो आप बीमारियों से जूझ रहे थे जिसमें आपको रिलैक्स नहीं मिला था, आप तो जो डाइजेशन इश्यूज थे या कोई पथरी थी या सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, लेडीज़ में जो पीरियड की प्रॉब्लम हो सकती है या मर्द में कोई नपुंसकता वगैरह की या किसी हर्निया, इन चीज़ों की जो बीमारी से आप लंबे समय से जूझते आ रहे थे, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और डॉक्टर से सलाह लेंगे, जो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था तो अगर कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिल सकता है, और उन चीज़ों से निजात मिलती दिखाई दे रही है, उन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, जो आप कोशिश कर रहे हैं उसको बरकरार रखिए, जो नहीं तो आपका बनता बनता काम बिगड़ सकता है, जो चीज़ों के लिए आप अब तक मेहनत करते आए हैं। तो अगर आप एक शॉट भी बाकी है, एक चांस भी आपको जहाँ भी मिल रहा है, आप वहीं पर वो चांस दीजिए, रुके रहिए, खड़े रहिए, स्टैंड लीजिए, आप कामयाब ज़रूर होंगे, आपकी बीमारियाँ ज़रूर ख़त्म होंगी, हेल्थ वाइज आपको रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। और अगर आप गिव अप कर देंगे तो आप उससे हार जाएंगे, आप उससे नुकसान उठाएंगे। तो वेल्थ क्वीन ऑफ कप्स, तो आप ममत्व भरा ये कार्ड है, तो आपको मतलब जो वेल्थ में आपने जहाँ भी पैसा लगाया है तो आप काफ़ी उसमें स्टेबल नज़र आ रहे हैं। तो और काफ़ी ग्रोथ आपको मिली है, सक्सेसफुल आप हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप दूसरों, शायद आप दूसरों के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, दूसरों की मदद भी आप करना चाहते हैं। अपने साथ साथ आपको लग रहा है कि अगर कोई आपका पार्टनर है या कोई जो आपके साथ काम कर रहा है तो आपको लगता है कि उसकी भी आपको मदद करनी चाहिए।
तो आप अपने साथ साथ आप उसकी भी मदद करना चाहते हैं और ग्रोथ वाइज काफ़ी सक्सेसफुल हैं, आप कामयाब हैं, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। और लेकिन थोड़ा सा अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मन बना रहे हैं, क्योंकि पैसे वाइज आपको काफ़ी स्टेबिलिटी है, आप स्टेबल हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि चुप रहकर मौन, थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो इन चीज़ों में आप आस्था लगाने वाले हैं, मेडिटेशन की तरफ आपका रुझान हो सकता है और काफ़ी आप का जो वेल्थ वाइज है, जो आपका करियर है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप नया बिजनेस चाहते हैं या नए फाइनेंस वाइज कोई काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके एक दूसरे को जांच पड़ताल करके, क्योंकि आप कम बोलते हैं तो थोड़ा सा तभी आपको आगे जाना है और आपको इसमें सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, हर काम आपका होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी जांच पड़ताल करके आपको आगे बढ़ना है। जॉब स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे थे या तो आपने बीच में छोड़ दी थी, या जिस फील्ड में जाना चाह रहे थे वो उस फील्ड को छोड़कर आप किसी दूसरी फील्ड की तरफ आपका रुझान था, तो दोबारा से आप उसी फील्ड में वापस आना चाहते हैं, दोबारा से उन्हीं चीज़ों को पाना चाहते हैं, उसी पढ़ाई को, उसी सक्सेस को, उसी कामयाबी को जो आप ऑलरेडी छोड़ चुके थे, वही दोबारा से वही जॉब, उसी जॉब के लिए आप फॉर्म वगैरह सबमिट करना चाहते हैं, उसी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं जो आप छोड़ चुके थे, जो आप करना नहीं चाहते थे, तो उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आप आगे बढ़ सकते हैं जो चीज़ें आप छोड़ चुके थे। अगर दोबारा से एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और नेम और फेम मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, काफ़ी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है काफ़ी एक अच्छी लाइफ आपकी जा सकती है। घर बनना और घर बसना भी इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होगी, अच्छी आमदनी होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा करियर होगा, तो आगे हर चीज़ में स्टेबिलिटी आएगी, तो वो सब भी इसमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी सक्सेस, काफ़ी नेम फेम आपको इसमें मिलेगा। और जो पास्ट में जो चीज़ें आप जिससे आप जिस पढ़ाई से जिस फील्ड में जिस जॉब में आप जाना चाहते थे, अगर किसी कारणवश आपने छोड़ दी थी और दोबारा से रीगेन करना चाहते हैं, उसमें शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे, आपको एक रिकॉन्सिलेशन आप कर सकते हैं, उसमें रीबिगनिंग कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं और आपको उसमें काफ़ी खुशी भी मिलेगी, काफ़ी आगे भी आप उसमें बढ़ सकते हैं। तो ये जॉब के लिए आया है, अगर आप नई जॉब में हैं तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपका मजाक हो सकता है, हंसी हो सकती है, कोई ठिठोली आपके साथ कर सकता है और आपको उससे बचना है, क्योंकि कोई या फिर ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी पीठ पीछे आपके साथ धोखा या चीटिंग या फ्रेप किया जा रहा है, या फिर किसी या आप दूसरे की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम उनके साथ खेल रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। अगर आप इंसान जीत जाएंगे, अगर आप की ईगो जीत भी जाएगी तो आप इंसान हार जाएंगे, तो माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेशन करना छोड़ दीजिए। अगर दूसरा कुछ खेल रहा है तो उसको जांचिए, तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, आपकी पीठ पीछे छुरा हो सकता है, तो जो भी जॉब है उसमें अभी आपको नहीं पढ़ना है, उसमें अभी नहीं जाना है, क्योंकि उसमें काफ़ी माइंड गेम है, काफ़ी मैनिपुलेशन है, काफ़ी धोखाधड़ी है, कोई छल कपट है जो आपकी पीठ पीछे खेला जा सकता है और आपके आपको ठेस पहुंच सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, तो उससे अभी आपको बच कर रहना है। ये बिजनेस के लिए है, तो द मेडिसिन, गो फॉर इट, आप इसके लिए जा सकते हैं। तो बिजनेस जो भी, क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज हैं, जो जिस चीज़ का भी आप बिजनेस करेंगे, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और अगर सामने वाला कोई गलती करता है तो उसको माफ़ कर दीजिए, और अगर आपने गलती की है तो सामने वाले से माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आप जॉब करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ का भी जॉब हो सकता है, पानी से संबंधित, अगर आप मतलब जैसे ऑयल से रिलेटेड हो सकता है, जैसे पेट्रोल पंप होता है,
मतलब पानी लिक्विड वाली चीज़ों का अगर बिजनेस आप ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। तो आप उन चीज़ों की तरफ अगर चाहते हैं तो रुझान कर दीजिए। वैसे आपके पास सभी सोर्सेज हैं, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे बिजनेस में उसी में ही आपको कामयाबी मिल सकती है। आपके लिए बिजनेस रात चार चौगुनी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपकी इसमें होगी, क्योंकि आपके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लेकिन किसी के साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन आपको नहीं करना है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको माफ़ कर दीजिए, अगर आपने की है तो माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। जो बिजनेस के लिए है काफ़ी ये पावरफुल है, काफ़ी तरक्की वाला है। और किसी बस यही है कि यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आपको आपके इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, आपका बिजनेस नेम और फेम कमाने वाला होगा, यूनिवर्स भी ब्लेस करेंगे और काफ़ी खुशियां आपको मिलेंगी, इससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको आ सकते हैं। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप अपने में हैप्पी रहिए, मग्न रहिए, खुश रहिए और दूसरे को खुश कीजिए जो आपके पार्टनर हैं। तो आप अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपकी विश पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगी, आप खुश रहेंगे और जो भी आपके पार्टनर रहेंगे होंगे वो आपके साथ हमेशा खुश रहेंगे, मग्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और आप उनको काफ़ी प्यार देंगे और आपके पार्टनर हैं वो भी आपको काफ़ी प्यार देंगे। लेकिन आपको एल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या लिक्विड से रिलेटेड जो ज़्यादा आप ड्रिंकिंग करते हैं उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर ड्रिंक हमेशा ही नुकसान करती है। तो आपका कार्ड बता रहा है कि आप ओवर ड्रिंक ज़्यादा करते हैं। तो ये रिलेशनशिप के लिए आए हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और या फिर शादीशुदा हैं रिलेशन या फिर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला धोखा दे रहा है, आप दोनों ही मतलब एक दूसरे के बारे में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरे को धोखा दे रहा है या ये मेरे को धोखा दे रही है। दोनों में ट्रस्ट इश्यूज हैं जो आपको, अगर आप रिलेशनशिप को पुश करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। जो आपका लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो वाद विवाद है, जो आप कभी कोई एक घर छोड़कर जा रहा है, कभी दूसरा जा रहा है, कभी आप चोट खा रही है, कभी मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, हो सकता है कि दोनों के बीच में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। तो जो आप थोड़ा सा एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, जब आप भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले उन सोर्सेज पर काम करना है जिसकी वजह से आपके रिलेशन में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही है। अगर आप उन पर अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन इतना विश्वास आपको ज़रूर करना पड़ेगा, इतना भरोसा ज़रूर करना पड़ेगा ताकि आप उनके साथ रिलेशन में वापस आ सकें और इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकें। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको इसके झंझट में नहीं फंसना है, अभी इनसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है या तो आप उनसे चीटिंग कर सकते हैं या तो वो आपसे चीटिंग कर सकते हैं। और लड़ाइयाँ, झगड़ा, वाद विवाद, घर से निकलना, चोट खाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रह सकती हैं, आपके रिलेशन में रह सकती हैं। तो आपको नए रिश्ते में नहीं पड़ना है, नए रिलेशनशिप में नहीं आना है। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो थोड़ा सा आपको दोनों को ये ट्रस्ट इश्यूज जो हैं उनको आपस में बातें करके उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है, काफ़ी हद तक शांत किया जा सकता है और इन परेशानियों को, इन बाधाओं को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन नए रिलेशन में या नए रिश्ते में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि लड़ाइयाँ, झगड़े, वाद विवाद, ये ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, गाइडेंस आ रही है कि किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अति नहीं करनी है, सोच विचार करके, रुक कर, ठहर करके सामने तब आपको आगे बढ़ना है। और अगर सामने वाला बहुत जल्दी कर रहा है तो आपको उनको भी करने से रोकना है, उनको बोलना है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आगे बढ़िए, नहीं तो आप बनते बन
बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं, उसमें नुकसान उठा सकते हैं, चोट खा सकते हैं। तो आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। अगर बिना सोचे समझे आप आगे बढ़े तो आप हानि फायदे की जगह नुकसान उठा सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है, धोखा भी हो सकता है, छल भी हो सकता है। तो इसलिए उन चीज़ों से आपको बच कर आगे चलना है। तो ये थी आज के लिए गाइडेंस और आपकी रीडिंग। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन गला भी बहुत दुखता है। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और कमेंट्स अच्छा सा ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने में आसानी हो सके। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।